Hello dear students, welcome to our channel Prachar Chemistry Classes. Today we have discussed about eyes burns due to soap and face wash. Face को wash करते time या bathing के time में अगर गलती से soap eyes में चला जाता है तो eyes burn होने लगती है, जलन होने लगती है, eyes red हो जाती है. Students, आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इसका reason बताऊंगी कि ऐसा क्यों होता है. इससे पहले जो इस channel पर नए हैं वो channel को subscribe ज़रूर कर लें, जिससे कि साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन के वीडियोस आप तक पहुंच सके. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि सोप जाने से आंखों में जलन क्यों होती है. स्टूडेंट्स, आपने पीएच वैल्यू के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा. पीएच एसिडिक एंड बेसिक दोनों तरह से होता है. आप जानते होंगे कि पीएच स्केल रेंज कितना होता है. पीएच स्केल 0 to 14 होता है. पीएच स्केल में 7 का मतलब न्यूट्रल होता है. अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो यानी कि हमारा सब्सटेंस एसिडिक होगा, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा है तो हमारा सब्सटेंस बेसिक होगा यानी एल्कलाइन होगा. प्योर वाटर की पीएच हमेशा न्यूट्रल होती है. अगर कोई केमिकल पानी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो यह एसिडिक एंड बेसिक की तरह बिहेव करने लगता है. लाइक लेमन एसिडिक होगा, उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होंगी और मिल्क की बेसिक प्रॉपर्टीज़ होंगी. ह्यूमन आई का पीएच 7 के आसपास होता है. आइस बहुत ही सेंसिटिव होती है और सोप की पीएच अराउंड 7.5 to 9 होती है. हमारी आई सेंसिटिव होने के कारण सोप की पीएच को हैंडल नहीं कर पाती और जलन होने लगती है और आंखों से पानी आने लगता है. आइस की मसल्स बड़ी हो जाती हैं और आइस रेड हो जाती है. सोप को मार्केट में आने से पहले इसका टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही जब ये पास होता है तो मार्केट में आता है. सोप नॉन टॉक्सिक होना चाहिए. सोप आइस के लिए डेंजरस होता है. आई होप स्टूडेंट्स, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी. वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट्स करना ना